अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं। वैसे आप कोई भी एक्सरसाइज करें उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है। कुछ एक्सरसाइज स्पेसिफिक हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फेमस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करेंगे वेरी सिंपल से कि वॉकिंग, जस्ट आप वॉकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ब्रिस्क वॉक करें, और जो है ना वॉक आपने करनी है कम अज कम आधा घंटा। आप स्टार्ट विद 20 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद रनिंग। रनिंग में आपने तेज दौड़ना है, उसमें आप पंजों के ऊपर दौड़ें, तेज दौड़ेंगे आप। तेज दौड़ने से आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेटस और आपका स्ट्रेस, ये चीजें इम्प्रूव होंगी। इसके बाद है बॉक्सिंग। जस्ट आप बॉक्सिंग के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स ले सकते हैं और आप कोई भी पिलो यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर बॉक्सिंग के लिए आप ये करेंगे तो बॉक्सिंग से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। पाइलेट्स एक्सरसाइजेस, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है पाइलेट्स में वो है स्वैन। स्वैन पोजीशन में हम लेट जाते हैं, लेट के अपने अपर स्फिनिक्स पोजीशन भी इसको कहते हैं। इस पोजीशन में हम आते हैं और लंबे गहरे सांस लेते हैं। इस पोजीशन में आके स्टे करते हैं, लंबा गहरा सांस लेके फिर सीधा लेट जाते हैं, फिर सीधा लेट जाना है, उसके बाद दोबारा फिर वंस अगेन फिर स्वैन पोजीशन में आना है, ऊपर को उठ जाना है, यह स्वैन पोजीशन। नेक्स्ट पाइलेट्स में आती है प्लैंक। प्लैंक में फुल प्लैंक पोजीशन है ये, इसमें पूरे बाजू को ऐसे रख लेना है और इस पोजीशन में स्टे करना है, लंबे गहरे सांस लेने हैं, 6 to 8 लंबे गहरे सांस लेने हैं, और उसके बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में लेट जाना है या बैठ जाना है, फिर वंस अगेन फिर प्लैंक करना है। ये प्लैंक है, इसको फुल प्लैंक कहते हैं। इस पोजीशन में लंबे गहरे सांस लेने हैं और 6 to 8 लंबे गहरे सांस लेके फिर स्टे कर लेना है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पाइलेट्स में स्विमिंग। स्विमिंग एक्सरसाइज में एक बाजू को हम ऊपर करेंगे, उसके कॉन्ट्रा साइड की जो टांग है उसको ऊपर करेंगे, ठीक है, उसको नीचे कर लेंगे, फिर उसके उल्ट साइड के बाजू को ऊपर, टांग को ऊपर करेंगे। इसी तरह हम इसको रिपीट करेंगे, इससे मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है। ये एक्सरसाइज को स्विमिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ब्रिजेस। ब्रिजेस एक्सरसाइज में हम टांगों को अपने पास लेकर आते हैं, मैक्सिमम जितना ला सकते हैं, और पेल्विस को ऊपर उठाते हैं, जितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है, और 6 to 8 लंबे गहरे सांस लेने हैं और उसके बाद फिर डाउन चले जाना है, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेना है, फिर दोबारा ऊपर पेल्विस को उठा लेना है और लंबे गहरे सांस लेने हैं 6 to 8 और फिर डाउन चले जाना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो है योगा एक्सरसाइज। ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें हमने लंबे गहरे सांस लेने होते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है, जहन को अपने खाली करना होता है, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है उसी के बारे में सोचना है, उसके बाहर नहीं जाना। इसमें पहली एक्सरसाइज है हेड टू नी। हेड टू नी में आपने अपने एक टांग को इसी तरह फ्लेक्स करके लगा लेना है और पांव को पकड़ के अपने हेड को अपने नी के पास लेकर आना है, लंबे गहरे सांस लेने हैं 6 to 8 लंबे गहरे सांस लेके फिर आपने रिलैक्स कर देना है, फिर वंस अगेन फिर दोबारा इसी तरह करना है और सेम यही पोस्चर आपने दूसरी टांग के साथ दोहराना है। ये थी हेड टू नी। इसके बाद है इजी पोज। इजी पोज में सिंपल इसी तरह बैठ जाना है, अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, टांगे मैक्सिमम खोल लेनी है, इस पोजिशन में बैठ कर सीधे देखना है और सीधे देखकर आपने लंबे गहरे सांस लेने हैं। इर्द गिर्द जो आपके अगर कोई आवाज़ आ रही है, अगर सपोज कोई पंखे की, एसी की आवाज़ है, कोई चीज़ आप को महसूस हो रही है, कोई स्मेल महसूस हो रही, कोई खुशबू, कुछ भी है, उस प्रेजेंट मोमेंट को सोचना है, उसी में रहना है और लंबे गहरे सांस लेते जाना है। कार्पस पोज में सीधे लेट जाना है और अपने हाथों को आसमान की तरफ करना है, ऐसे हाथ खुले छोड़ के, और बिल्कुल जिस्म को रिलैक्स छोड़ देना है और लंबे गहरे सांस लेने हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जहन को खाली करना है, कुछ नहीं सोचना, कोई जहन में ख्याल आता है उसको आने देना है और उसके ऊपर स्टे नहीं करना, उसको फिर जाने देना है, उस पर कोई और ख्याल आता है उसको आने देना है और उसको जाने देना है, और उस प्रेजेंट मोमेंट में जो इर्द गिर्द आवाज़ आ रही है, अगर आप किसी पार्क में बैठे हैं वहाँ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कुछ परिंदों की या कुछ और कोई भी शोर कुछ भी आता है, उस चीज़ को महसूस करना है। अगर कुछ स्मेल है, कुछ खुशबू आ रही है, किसी फूलों की, घास की, या कुछ भी इर्द गिर्द किसी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, उसको महसूस करना है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, लंबे गहरे सांस लेने हैं और अपने जहन को रिलैक्स करना है, जिसम को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है साइकिलिंग।
साइकिलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिलिंग में आपने सीधे लेट जाना है और साइकिलिंग शुरू कर देनी है, ऐसे इसी तरह आपने साइकिलिंग करनी है और 1 मिनट तक कंटिन्यू आपने करते रहना है और लंबे गहरे सांस लेने हैं। 1 मिनट हो जाए आपने रिलैक्स कर देना है और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आपने वंस अगेन साइकिलिंग स्टार्ट कर देनी। ये वाली एक्सरसाइज करनी है बिल्कुल सीधे लेट के, लंबे गहरे सांस लेने, अपने जहन को रिलैक्स करके आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। जो मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेज हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का ग्रुप है जिसको हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज कहते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डंबल्स या वेट लेते हैं, उसको हम रेजिस्ट करते हैं बाजुओं के ऊपर, उसको ऊपर नीचे बाजुओं को करते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं और ऊपर नीचे इस तरह बाजुओं के साथ एक्सरसाइज करते हैं। डंबल स्टार्ट में आप लो वेट ले सकते हैं, उसके बाद आपने हाई वेट लेना है और हाई वेट के साथ इस तरह रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है। सेकंड जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में है वो है इसके साथ इलास्टिक बैंड है, इसको हम ले लेते हैं और एक पांव के नीचे रख के पूरे बाजू की फुल अडक्शन करनी है। उसमें इस तरह फुल अडक्शन करते हैं, अडक्शन करके थोड़ी देर होल्ड रखते हैं फिर वापस आ जाते हैं, इस तरह ये अडक्शन करते हैं। ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्लो स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट फास्ट आप तेज तेज भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और आप ऊपर लेकर जाए, ऊपर लेकर होल्ड रखना चाहते हैं जितना होल्ड रखें और लंबा गहरा सांस लें और रिलैक्स कर दें। नेक्स्ट है फुट वन स्टेप जो है उसको हम फॉरवर्ड लेकर आते हैं, इस तरह घुटने को फर्श के साथ लगा लेते हैं, इस तरह लेकर आते हैं फॉरवर्ड घुटने को फर्श के लगा तो वापस खड़े हो जाना है। इसको हम दूसरी साइड से भी आपको दिखाएंगे कि साइड से हम खड़े हो जाते हैं और इस तरह घुटने को हम लगा लेते हैं, एक दफा फिर करके दिखाइएगा। ये एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस बॉल के साथ हम करते हैं, इसमें इसके ऊपर बैठना है, थोड़ा सा ऊपर उठना है, थोड़ा सा ऊपर उठ के बॉल से फिर इसके ऊपर बैठ जाना, ऐसे बैठ के इसके ऊपर स्टे करना है और अपने बैलेंस को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। इसको हम साइड से आपको दिखाते हैं कि साइड से इस पे कैसे करना है। इस तरह बॉल लेनी है, उसके ऊपर बैठ जाना है, ऐसे बैठ कर बैलेंस वहां पे रखना है। ये एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर के लिए भी बहुत अच्छी है और ये बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छी है और मेंटल हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो रेजिस्टेंस में आती है, जिस एक्सरसाइज में टांग को ऊपर उठाना है, हाथ के साथ पकड़ना है, बैकवर्ड ऐसे करके पकड़ लेना टांग को, लंबा गहरा सांस लेना है एक या दो दफा फिर उसको रिलैक्स छोड़ देना। फिर हम दूसरी टांग को पकड़ेंगे, दूसरी टांग को पकड़ के लंबा गहरा सांस लेंगे और इसको छोड़ देंगे। अब हम साइड पोज से एक दफा आपको दिखा देते हैं, राइट लेग को हम पकड़ के आपको दिखाएंगे कि ये ऐसे खड़े हो जाना है, राइट लेग को पकड़ लेना, पैर को पकड़ के ऐसे होल्ड रखना है, लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ देना, और इसी तरह लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ देना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक अभी हम आपको करके दिखाएंगे, ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्लैंक में इस पोजिशन में आपने कोहनियों के ऊपर स्टे कर लेना है, कोहनियों पर स्टे करके आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम कितने मिनट, कितने सेकंड तक रह सकते हैं, लाइक 20 सेकंड से आप स्टार्ट करें, फिर स्लो स्लो ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं और उसके बाद आप इसको छोड़ दें।